स्वागत है आप सभी का विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। एक बार पुनः मैं इस ऑनलाइन कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम सभी आचार्य कौटिल्य के नाम से परिचित हैं, सभी जानते हैं आचार्य कौटिल्य के बारे में। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसके पहले अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमें मिलता है पढ़ने को, जो कुछ इस प्रकार है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजा नाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। जो राजा का हित ऐसे कार्य को करने में नहीं है जो उसे स्वयं को प्रिय लगता है, बल्कि राजा का हित उन कार्यों को करने में है जो प्रजा को प्रिय है। अब यहाँ मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर प्रजा सुखी होगी कैसे? तो प्रजा तभी सुखी होगी जब राजा का शासन अच्छा होगा। तो अच्छा शासन यानी कि गुड गवर्नेंस, यही है आज हमारा टॉपिक। इस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मायने हैं सुशासन के और इसकी विशेषताओं को जानेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और इसके अतिरिक्त तो हम भारतीय संदर्भ में भी सुशासन की बात करेंगे। तो गुड गवर्नेंस को समझने से पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है एक गवर्नेंस क्या होता है, व्हाट इज गवर्नेंस। जब हम गवर्नेंस को समझेंगे तभी हम गुड गवर्नेंस को सही से समझ पाएंगे। तो गवर्नेंस जो शब्द है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट फ्रांस में आया था, अभी हम बाद में उसकी बात करेंगे। जो ये शब्द है लैटिन भाषा के शब्द गुबरनियर से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इस गुबरनियर जो शब्द है लैटिन भाषा का, इसका अर्थ होता है टू स्टीयर, यानी किसी भी चीज को चलाना। और इस तरीके से अगर इस शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गवर्नेंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है द मैनर ऑफ स्टीयरिंग और गवर्निंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और स्टेट, यानी किसी भी राज्य को या लोगों के समूह को चलाने का जो तरीका होता है उसको ही हम गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 14th सेंचुरी में फ्रांस में आया था। हालांकि उस समय गवर्नेंस जो टर्म है उसका जो मीनिंग जो आज के समय में हम प्रयोग करते हैं इन अर्थों में उसका प्रयोग नहीं होता था। उस समय इसको सीट ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता था, यानी सरकार का स्थान। अकॉर्डिंग टू कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अब कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर हम गवर्नेंस का मीनिंग देखें तो द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस इज एक्ट ऑफ गवर्निंग और फंक्शन ऑफ गवर्निंग। जो गवर्न करने का यानी कि किसी चीज़ को ऑपरेट करने का, स्टीयरिंग करने का तो तरीका है वो होता है, उसका तरीका है यानी कि उसका कार्य, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। इस प्रकार से गवर्नेंस का जो मीनिंग है टू रेगुलेट पब्लिक अफेयर, जैसे हमने ऊपर शाब्दिक अर्थ देखा था, फिर हमने ऑक्सफोर्ड कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मीनिंग देखा, इस आधार पे गवर्नेंस का मतलब होता है टू रेगुलेट पब्लिक अफेयर्स, यानी सार्वजनिक मामलों को विनियमित करना। और अगर सामान्य शब्दों में हम गवर्नेंस को समझें तो गवर्नेंस इज नोन एज सिटीजन फ्रेंडली, सिटीजन केयरिंग एंड सिटीजन रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नेंस को सिटीजन फ्रेंडली, सिटीजन सेंट्रिक माना जाता है। तो यहाँ पर फिर एक प्रश्न मन में आता है कि जब गवर्नेंस अपने आप में ही पूरा अर्थ समेटे हुए, इसका मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जब स्वयं ही वो सिटीजन फ्रेंडली है, सिटीजन केयरिंग एंड सिटीजन रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है, तो फिर हमें इसमें गुड लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्यों हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की? गवर्नेंस तो गवर्नेंस है, उसमें गुड और बैड गवर्नेंस की बात कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है, जब भी कोई बात या कोई चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो खराब होती है, यानी अगर गवर्नेंस बैड हुआ है कहीं ना कहीं तभी हम तो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो गवर्नेंस बैड कैसे हुआ, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जो कोठारी कमीशन आया था, आप सभी जानते हैं 1964 में कोठारी कमीशन का गठन हुआ था, और 1966 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी, और जो इसकी रिकमेंडेशंस थी कोठारी कमीशन की, वो लगभग सभी रिकमेंडेशंस उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने मान लिया था, उनको लागू कर दिया गया था। तो कोठारी कमीशन की सिफारिशें आने के लगभग 60 वर्ष होने वाले हैं, तो अब 50 से 60 वर्ष भी हो व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी आज भी ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर अभिभावक हैं, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना क्यों पसंद करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स क्यों भेजते हैं, क्यों वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? दूसरा, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन देख ही रहे हैं, ज़्यादातर लोग भले ही वो उनकी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी ना हो फिर भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। और ये स्थिति तब है जब पिछले 15 से 20 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में जो खर्च हुआ है वो लगभग 5 गुना बढ़ा है, सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी वो इसका प्रमाण है,
और यहाँ से इसके आंकड़े देखे जा सकते हैं। तो अब यहाँ एक सवाल है कि सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ा है, रिकमेंडेशंस लागू हो चुकी हैं 50-60 साल पहले कोठारी कमीशन की, लेकिन जो स्कूलों की दशा है, सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है, वो हमसे और आपसे छुपा नहीं है। तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारा गवर्नेंस फेल है, क्योंकि स्कीम्स बहुत अच्छी बनती हैं और उन प्रॉब्लम होती है जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, यानी कहीं ना कहीं हमारा गवर्नेंस फेल हो रहा है। और इसलिए यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए गुड गवर्नेंस को अच्छा करने का प्रयास किया गया है। तो अब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। गवर्नेंस ऐसा नहीं है कि गुड गवर्नेंस अभी हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या इस पर सेमिनार्स हो रही, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चर्चा का विषय, ऐसा नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्लेटो का जो महान, प्लेटो की एक बहुत ही महान पुस्तक है रिपब्लिक, उस पर उन्होंने आइडियल स्टेट की बात की, आदर्श राज की बात करते हैं। और अरस्तु की जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें भी हम एक लोगों का जीवन कैसे अच्छा बनाया जाए उस पर बात की गई है। अगर हम भारतीय चिंतन की बात करें, भैया तो अंतर्राष्ट्रीय चिंतन की बात किया, तो भारतीय चिंतन में जैसे हमने शुरुआत की थी आचार्य कौटिल्य के श्लोक से, आचार्य कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, वो कहीं ना कहीं सुशासन पर ही लिखा गया एक ग्रंथ है, एक कॉन्सेप्चुअल जो ट्रिटरीज है वो गुड गवर्नेंस पर ही लिखा गया है। महाभारत के शांति पर्व में हम देखें तो राजा को कैसे अपना राज्य, अच्छा शासन कैसे चलाया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें उसमें लिखी हुई हैं, और एक राजा को उसके कर्तव्य क्या होते हैं इसका बोध कराया गया है। तो महाभारत का शांति पर्व है, मनुस्मृति है, कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र है, शुक्र नीति है, ऐसे महान ग्रंथ हमारे प्राचीन समय में हमारे पास महान ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें सुशासन की बात कहीं ना कहीं की गई है। लेकिन जो आज के कॉन्सेप्ट, आज के समय में हम गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब 1992 में वर्ल्ड बैंक ने इसे डिफाइन किया गुड गवर्नेंस के रूप में। जब गवर्नेंस जो शब्द है इसको गुड गवर्नेंस के रूप में डिफाइन किया गया, तो इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। 1989 में वर्ल्ड बैंक ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसका टाइटल था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। इस डॉक्यूमेंट पब्लिश करने के लिए एक स्टडी की, सब सहारन अफ्रीका जो कंट्रीज हैं वहाँ के, और उस के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल है, और इनमें उन फैक्टर्स पर फोकस किया गया था जो कहीं ना कहीं मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स में बाधा बनकर खड़े हो रहे थे। तो उसमें जो मेजर फैक्टर सामने आया है वो है फेलियर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारी हैं वो कहीं ना कहीं फेल है, हमारा गवर्नेंस फेल हो रहा है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। तो 1989 में इस टाइटल से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड एक और डॉक्यूमेंट, एक और रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने 1992 में गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस के रूप में डिफाइन किया। जिस जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, अब कहीं आपको कुछ किताबों में इसको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस इस तरीके से मिल जाएगा, किसी किसी बुक में आपको कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, इसको एक ही सेंस में हम यूज करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी पे आपको नहीं जाना है, करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स या एलिमेंट या कंपोनेंट एक ही है। तो जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UNDP है, OECD है, IMF है, वर्ल्ड बैंक की अभी हमने बात की है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 4, इस तरीके से गुड गवर्नेंस के जो फीचर्स हैं वो बताए हैं, और कई इसमें फीचर्स कॉमन हैं आपस में, एक दूसरे सभी में दिए हुए हैं। तो उस आधार पर यूनाइटेड नेशंस ने और विद्वानों ने ये 8 करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की हैं जो कि हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। जो पहली है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन कैसे, अगर किसी देश में, किसी कंट्री में हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं कि इसमें गवर्नेंस को अच्छा करना है, तो वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं और उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट जो डिसीजन, अब पार्टिसिपेशन किस में, तो जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जनता के हित में, जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें जनता का भी
सहभागी होना आवश्यक है, तभी गुड गवर्नेंस हो पाएगा। तो पार्टिसिपेशन पहला फीचर है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने कार्यों के प्रति, अब यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है ये डिपार्टमेंटल, मतलब किसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, तो संगठन के प्रति। जो कार्य वो अपने संगठन में रह के अपने पद पर रह के वो कर रहे हैं उनको उन कार्यों के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। दूसरा फीचर हो गया। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। जो भी गवर्नमेंट काम करती है सिटीजन्स के इंटरेस्ट में करती है, जनता के हित में करती है, तो जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, जो पॉलिसीज बनाती है, जो प्लानिंग पॉलिसीज या बनती हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उन्हें पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए कौन से कदम उठा रही, क्या काम कर रही है, उनको उन तक पहुंच होनी चाहिए, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एक टूल है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में एक्ट आया था। आरटीआई के माध्यम से जो सिटीजन्स हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो कोई भी किसी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार इस तरीके से ट्रांसपेरेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होगी तो गुड गवर्नेंस होगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा फीचर है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन बहुत आवश्यक है गुड गवर्नेंस के लिए किसी भी देश में। और इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटिश से लिया गया, इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है कि सभी के लिए एक जैसा कानून, यानी जो कानून बनाया जाए वो सभी के लिए एक जैसा हो, उसमें किसी स्तर पर जेंडर बेस पे या फिर जो आर्थिक आधार पर गरीब है उनके लिए वही कानून, अमीर है उनके लिए वही कानून, तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा कानून। दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कानून के समक्ष सभी बराबर। तो सभी के लिए एक जैसा कानून, कानून के समक्ष सभी बराबर, कानून सभी पर एक समान लागू होना चाहिए, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गुड गवर्नेंस का, बिना इसके हम गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। अब यहाँ पर हमने अकाउंटेबिलिटी पढ़ा, अब रिस्पॉन्सिवनेस कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से मिलता जुलता है लेकिन उससे डिफरेंट है। अकाउंटेबिलिटी हमने बताया था जो संगठन के प्रति जवाबदेही होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, यानी जो अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल होती। और यहाँ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, प्रतिक्रियाशील होने चाहिए। गवर्नमेंट अगर सिटीजन्स उनके समक्ष कोई बात, कोई समस्या आई है तो वो उनके प्रति जवाबदेही दिखाएं और उन्हें रिस्पॉन्स करें। तो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब अभी हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे वहाँ भी हम रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो रिस्पॉन्सिवनेस का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, कोई भी काम करती है, तो उसमें समानता होनी चाहिए सभी के लिए, वो समान रूप से, कोई स्कीम आई है तो सभी पर समान रूप से लागू, मतलब समाज में हर व्यक्ति ये सोच सके कि हमारे लिए ये स्कीम फायदेमंद है, ऐसा ना हो कि उससे किसी एक वर्ग का नुकसान हो रहा हो। तो इंक्लूसिवनेस सभी को मिलाकर ले चलने की बात की गई है, बहुत ही अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कोई भी कार्य करती है तो जो गवर्नमेंट के समक्ष या किसी विभाग में कोई काम किया जा रहा है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए, जो संसाधन उपलब्ध है उनका सुंदरतम प्रयोग होना चाहिए। और लास्ट है कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड का जैसा कि शब्द ही है, इस कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब है कि एक आम सहमति बनाई जा सके। तो गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है, उस देश में जो भी कार्य जनता के लिए किए जा रहे हैं, उसमें एक सभी के मन का तो नहीं हो सकता कि जो सब चाहते हैं वैसा हो जाए, तो कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाले जिसमें एक आम सहमति बनाई जा सके कि हाँ ऐसा कार्य किया जा रहा है तो वो हमारे हित में है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाए, ऐसे कोई डिसीजन गवर्नमेंट थोपते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी हम गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 एलिमेंट्स हैं गुड गवर्नेंस के, इन्हें आप ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में सुशासन की। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गुड गवर्नेंस की बात करें तो बहुत पहले से ही इसमें काफ़ी सुधार किया गया है गवर्नेंस में। हम एक उदाहरण ले सकते हैं 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट का, जो लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा था कदम, ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की जा रही थी स्थानीय सुशासन की, उसको स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त बहुत से रिफॉर्म कमीशन बनाए गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2 बनाए जा चुके हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस आई थी काफ़ी रिकमेंडेशन को माना गया है, लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ CVC है, जो चीफ विजिलेंस
कमीशन, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त का पद जो बनाया गया है, लोकपाल की स्थापना की गई है, आरटीआई जैसा एक्ट लाया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे गुड गवर्नेंस के लिए प्रयास होता रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। लेकिन अभी भी अगर आज हम देखें तो हमारा जो एक बड़ा तबका है, एक जो गरीब जनता है, वो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान है, उस गुड गवर्नेंस की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही है। एक आंकड़ा साझा करें तो हमारे देश में लगभग 19 करोड़ लोग भूखे हैं, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, दोनों समय का उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और अगर कुपोषण की बात करें तो 39% ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, वो मैलनरिस्ट हैं, कुपोषित हैं। और हालांकि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, जैसे आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट आया है, 1200 की आबादी पे एक आंगनबाड़ी की स्थापना की गई है, लेकिन उसका लाभ क्या जिस जो टारगेट ग्रुप है, जिनके लिए वो सुविधा दी गई है, क्या उन तक सुविधाएं पहुंच पा रही हैं? मतलब हमारे पास साधन तो हैं, संसाधन है, खर्च भी हो रहा है, लेकिन जिस ग्रुप के लिए जो स्कीम बनाई गई है, क्या लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? हमारे पास हॉस्पिटल्स तो हैं, स्कूल्स तो हैं, लेकिन शिक्षा या इलाज की सुविधा क्या उन तक पहुंच पा रही है? शायद नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा गवर्नेंस अभी भी फेल है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या सामाजिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं अभी तक? क्या लोगों को उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी पूरी हो पा रही हैं जो बेसिक नीड्स हैं? तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की ज़रूरत है। अब अगर जो भूख से परेशान बिलकती भूख से बिलकती जनता है, उसको हम ग्रोथ रेट और जीडीपी के आंकड़े बताएं, तो क्या उनके साथ कहीं ये बेईमानी नहीं होगी? तो अभी भी बहुत बड़े स्तर पे सुधार की आवश्यकता है, हालांकि गवर्नमेंट अच्छा कर भी रही है। तो आज हमने जो बात की गुड गवर्नेंस की, इसमें हमने सबसे पहले गवर्नेंस को जाना, गवर्नेंस क्या है, इसके बाद हमने गुड गवर्नेंस को समझा, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरुआत हुई थी, हमारे जो एंशियंट टाइम में हमने कुछ उदाहरण दिए, वहाँ से इसकी चर्चा शुरू की, और इसके बाद हमने गुड गवर्नेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जाना, वर्ल्ड बैंक ने जो बताई हैं या फिर यूनाइटेड नेशंस ने जो आइडेंटिफाई की हैं, इसकी बात की। भारतीय संदर्भ में भी हमने सुशासन को समझने का प्रयास किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। नमस्कार।